ज्ञान अभियान आपका अपना क्लासरूम, इसे सब्सक्राइब करें, खूब पढ़ें, आगे बढ़ें और बढ़ते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन है आरडी शर्मा बुक के चैप्टर 14.2 से क्वेश्चन नंबर 2। ये पूछा है दीपेश ने जो नैनीताल से है। तो चलिए दीपेश के द्वारा पूछे क्वेश्चंस को सीखते हैं। तो क्वेश्चन है, इफ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, फाइंड द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हमको इस पैरेललोग्राम को जानना है, ये पैरेललोग्राम होता क्या। पैरेललोग्राम ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसमें ए बी और डी सी पैरेलल है और ए डी और बी सी पैरेलल है। तो इसमें क्या होता है, ये जो लगातार दो एंगल, कोई सा भी दो एंगल जो लगातार होते हैं, इस एंगल को एडजेसेंट एंगल कहा जाता है। एंगल ए और एंगल बी क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल हो गया। इसी तरह से एंगल बी और एंगल सी एडजेसेंट एंगल हो गया, एंगल सी और एंगल डी एडजेसेंट हो गया, ठीक है। और इसी तरह से ए और सी क्या हो जाता है, अपोजिट एंगल कहलाता है, बी और डी अपोजिट एंगल कहलाता है। तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल है। मान लेते हैं कि एंगल ए और एंगल बी है ना, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। तो मान लेते हैं कि एक एंगल हमारे पास एक्स है, ठीक है, और दूसरा क्या है इसका 2/3 है। तो इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, इसको हमने एक्स मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ एक्स हो जाएगा। लेट करते हैं, लेट एंगल बी इक्वल टू एक्स, देन एंगल ए इक्वल टू क्या जाएगा, 2/3 ऑफ एक्स है ना, मतलब 2x/3 ये हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये जानते हैं, ये हमारा हो गया 2x/3। तो अब हम ये जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए हमारे पास क्या है x, और ये क्या है हमारे पास 2x/3 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इस x के नीचे ऐसे हमने 1 डाल लिया, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3x+2x इक्वल टू इधर ये जाएगा 180, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 और 2 क्या हो गया, 5x/3 इक्वल टू 180, या फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, और ये इधर नीचे 3 है तो ऊपर आ जाएगा ये 3 और ये 5 यहाँ आ जाएगा। अब इसको काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 3 15 5 6 30, तो x इक्वल टू हमारा निकल के आ गया 36 × 3 इक्वल टू 108 डिग्री है ना। ये हमारा x का वैल्यू निकल के आ गया। तो एंगल ए एंगल बी इक्वल टू क्या हो गया, एंगल बी इक्वल टू हो गया 108 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी इक्वल टू 108 डिग्री हो गया। अब देखते हैं क्या है कि एंगल ए इक्वल टू क्या हो गया, एंगल ए इक्वल टू निकल के आएगा हमारा 2 × 108/3, क्योंकि x का वैल्यू हमने निकाला 108, तो x की जगह पे हमने रख दिया, ये 2x/3 था तो 2x/3 ये कर दिया है ना, तो x की जगह पे 108। अब इसको काटेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18, तो ये हो गया 2 × 36 इक्वल टू हो गया, एंगल ए इक्वल टू हो गया 72 डिग्री है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं, अब क्या है कि सारे एंगल्स, फाइंड द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होता है ना, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये 72 डिग्री हो जाएगा। और एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल डी, तो है ना, ये भी अपोजिट एंगल, तो ये बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 108 डिग्री। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर है ना। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हमें कमेंट्स करें या फिर हमें व्हाट्सएप करें, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको आपके आंसर देने के। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने हर क्वेश्चन के लिए हमें व्हाट्सएप करें।